खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां धमतरी जिले में एक परिवार ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की। दरअसल परिवार का कहना है कि वे करीब 12 सालों से गांव में किराए के मकान पर रह रहे हैं। गांव के ही आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बना हुआ है। किराए के घर से निकाले जाने के बाद वे झोपड़ी में रह रहे थे। वहीं परिवार ने जगह के एवज में सरपंच से 70,000 रुपए की मांग की, जिसे देने में वे सक्षम नहीं है। इसलिए पंचायत ने उनकी झोपड़ी तोड़वा दी और परिवार को गांव से बेदखल कर दिया। जब गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद करनी चाही तो पंचायत ने उनसे 10,000 रुपए का अर्थदंड लिया, जिसके कारण अब गांव में ही उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, जिससे परेशान होकर परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं संबंध में कलेक्टर पीएस एल्मा ने परिवार को आश्वासन देकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। मैं 12 साल से वहाँ निवास कर रही हूँ और जी वहाँ पहले मुझे आवाज़ दे दिया गया था, आवाज़ के लिए भूमि जो दे दिया गया था उसको बाद में कैंसिल कर दिए। उसके बाद मुझे वहाँ से, जब मैं वहाँ रहने के लिए गई, उसके बाद मुझे वहाँ से खदेड़ दिया गया है, प्रउखाड़ फेंके हैं। जगह जो है रोड में है, वो गाँव के यहाँ के निवासियों को मिलेगा। आप पर गाँव से आए हो तो आप वहाँ चले जाओ, यहाँ मत रहो, बोलते हैं। आधार कार्ड बना है, परिचय पत्र, राशन कार्ड, सब चीज वहाँ का बन गया है। 12 साल से किराए के मकान में था, वहाँ से निकालने के लिए बोले, निकल गया मैं, और वहाँ से मेरे पास रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं था। तो अंत में मैंने अतिक्रमण जमीन किया और उसी, जिसको मेरे को एक महीना पूर्व उसी जगह को दिया गया था, जो लिखित में नहीं थे, ऐसी मौखिक दे दिए थे। सरपंच भी दिए थे लेकिन बाद में मुकर गए। 70,000 रुपए का डिमांड भी किए हैं, मैं नहीं दिया।